आज भाई मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार चीज लेकर आया हूँ। कितना आसान है वो आप खुद ही देख लो भाई, 10 साल का बच्चा भी बड़ी आसानी से जो है दूध निकाल सकता है। और ये देखो भाई, सीधा थन के पास लगानी है आपको। तो किसान भाइयों, राम राम भाई सभी को, मैं हूँ दिनेश सिहाग और आज भाई मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार चीज लेकर आया हूँ, जो भाई पशुपालन करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होती है पशुपालन में, आपको दूध निकालने के लिए भी आपको बंदे रखने की जरूरत पड़ती है भैया। उसका सब्स्टिट्यूट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मिल्किंग मशीन आपके लिए लेके आया हूँ भाई। गोधन कंपनी की मशीन है जो कि पुणे महाराष्ट्र में बेस्ड है और इस वक्त मैं जो है कस्टमर के घर आया हुआ हूँ और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं HF नस्ल की गायें जो है ये रखते हैं और इनका दूध भाई काफ़ी होता है तो निकालने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए ये मशीन इन्होंने परचेज किया। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो अपना नाम और परिचय बताइए आपका पहले। मेरा नाम गुरपाल सिंह है जी। अच्छा जी। चाना धाम साडा गांव है जी। ठीक है जी। गंगानगर साडा जिला, गंगानगर राजस्थान के अंदर जो है इस वक्त मैं खड़ा हूँ। तो भाई साहब, ये मशीन जो आपने खरीदी है इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली? जी ऐसी ऑनलाइन ही देखी थी। अच्छा। हाँ जी, ऑनलाइन आपने देखी थी। आपके आसपास भी कोई मशीन है इस? हाँ जी, हमारे गांव में है। अच्छा, आपने चलती भी देखी, मतलब देखी इसको? है, है। उसके बाद में आपने इसको लेने का विचार आपने मना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो एक चीज मुझे ये भी बताइए कि ये कंपनी जो गोधन कंपनी है, इसके जो कंपटीटर भी होंगे मार्केट के अंदर, भी और भी कंपनियों की मशीनें जो है मार्केट में आती होगी, तो आपने ये ही मशीन क्यों खरीदी? सर असीं तां रिव्यू देखिया सी, चलदी देखी सी। हाँ हाँ। एक तां दूजे नालों प्राइस ठीक है दा। अच्छा अच्छा। तां एक इन्हें सर्विस ठीक है। अच्छा, सर्विस बहुत बढ़िया है मतलब। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं गी। फिर असीं सर्विस नूं देखदे होए, तां मशीन नूं देखदे होए, प्राइस भी ठीक सी, फिर यही मंगाउण दा फैसला लिया। तो भाई इस मशीन की जो है इन्होंने चलती देखी पहले, तो उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये होती है कि मशीन का प्राइस क्या होता है, कि वो प्राइस जो आपकी जेब के ऊपर ज़्यादा असर ना डाले वो प्राइस इस मशीन का है, इसलिए भाई साहब ने जो है इस मशीन को ख़रीदने के लिए प्रेफर किया। उसके बाद में इसकी क्वालिटी आपको कैसी लगी? क्वालिटी बढ़िया ही, एकदम बढ़िया। बिल्ड क्वालिटी वगैरह कोई दिक्कत आपको, अगर पशुओं को जैसे अपने मशीन यूज़ करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई भी मतलब अगर अपने पशु को लगाते हैं तो पशु कई बार क्या होता है कि डर जाता है, लात वगैरह मारता है, तो उस तरह की कोई दिक्कत किसी भी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत आई नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की? कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसके अंदर भी इस तरह की कोई डरने वाली बात नहीं है कि आपके पशु को लगाते समय या उसके बाद लगाने के बाद अगर पशु नाचता है या लाते मारता है, ऐसी भी इसके अंदर कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? तो भाई साहब एक चीज़ मुझे बताइए, अभी कंपनी की अपने क्वालिटी बात कर ली, रेट भी आपने बताया भी काफ़ी अच्छा रेट है इसका, उसके बाद में कंपनी की सर्विस कैसी है इसके अंदर? सर्विस बढ़िया है सर, हमारा ये ख़राब हो गया था। अच्छा, उन्होंने फ्री हमारे को भेज दिया। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास पहुंच गया? हाँ जी, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया और आपकी समस्या का समाधान फटाफट तुरंत फुर्त हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, और उसके बाद में और भी कंपनी जो सपोर्ट करती है, जैसे आप पहले बता रहे थे कि आपने वीडियो कॉल पे भी आपको उस कंपनी ने इसके बारे में? हाँ जी, एक दिन था प्रेशर कम हो गया था। अच्छा अच्छा। तो कुछ पैप उप कोई दिक्कत सी। अच्छा अच्छा। तो हमने उनको फोन लगाया। हाँ हाँ। और उन्होंने वीडियो कॉल पर बता दिया, हमने वैसे किया तो वो अच्छे से चल रही है, था एकदम सेट हो गया उसके बाद। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं भाई, लगभग एक साल होने को है भाई साहब ने ये मशीन खरीदी है, तब से लेकर आज तक इनको इसके अंदर कोई भी ऐसी दिक्कत इसके अंदर नहीं आई। तो मेंटेनेंस कितनी है इसकी, अगर कोई चीज मान ले अपने इसके अंदर सर्विस वगैरह करनी है, या वो कितना खर्चा है इसका मेंटेनेंस? मेंटेनेंस तो कोई ज़्यादा नहीं है सर, वैसे कोई भी साधन चलता है, कुछ भी चलता है, ऑयल तो चेंज करना पड़ता है। हाँ हाँ जी, ऑयल एक मंथ के बाद कर देते हैं, एक महीने के बाद में ऑयल चेंज करना है। तो मेंटेनेंस फ्री मशीन है एक तरीके से, आपको ज़्यादा मेंटेनेंस की भी इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक चीज़ और बताइए मुझे, आप इस मशीन को आपने ऑर्डर कैसे किया, ऑनलाइन अगर आपने मंगवाया तो क्या उसका प्रोसीजर था? जी हमने ऑनलाइन उससे बात की, उन्होंने हमारे को फोटो वगैरह सारा कुछ भेज दिया। जी सर, कई तरीके की आती है, बड़े पशु ज्यादा पशुओं के लिए। अच्छा। ज्यादा बड़ी आती है। अच्छा। कम पशुओं के लिए छोटी आती है। अच्छा अच्छा। ये तो इन्वर्टर पर चल जाती है, 8-10 पशुओं के लिए सफिशियंट है। 8-10 पशुओं के लिए ये मशीन सफिशियंट है, और भाई इन्वर्टर पर भी ये चल जाती है। अभी बाई चांस गाँव के अंदर या आपके जो फार्म है उसके अंदर लाइट की कोई दिक्कत होती है, कट लगते रहते हैं, पावर कट लगते रहते हैं, तो उस वक्त आपका काम बीच में नहीं रुकेगा भाई, इन्वर्टर पर भी बड़ी अच्छे तरीके से ये काम करेगी। और उसके बाद में आपने जब ऑर्डर किया तो उसका प्रोसीजर बताइए थोड़ा सा। हाँ जी, उन्होंने सर हमारे से टोकन मनी ली कुछ। अच्छा अच्छा। 2-3 हज़ार रुपया। अच्छा अच्छा। वो बाकी कैश ऑन डिलीवरी है, उन्होंने हमारे एक
फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दी थी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मतलब डिलीवरी का कोई चार्ज कंपनी ने नहीं किया, एकदम फ्री डिलीवरी आपको होगी। उसके बाद में जो है कुछ टोकन मनी 2 से 3 हज़ार रुपये आपको जो है जमा करवानी है कंपनी के खाते में, और मशीन जब आपके पास पहुंच जाएगी, पहुंचने के बाद डिलीवरी के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी आप उसके ऊपर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है सिस्टम कंपनी ने दिया है। अब क्या है कि अब मैं आपको मशीन चला करके दिखाता हूँ। भी अपने कई बार क्या होता है कि सोच लेते हैं कि बातें किए जा रहे हैं, इसके चला करके तो दिखाया ही नहीं। तो भाई अपने इसको अब चला करके देखेंगे, पशु को लगा करके दिखाएंगे, पूरा प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। तो भैया अब लगाना इसको कितना आसान है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बच्चा है, 10 साल की एज है इसकी। अब कितना आसान है वो आप खुद ही देख लो। भी 10 साल का बच्चा भी बड़ी आसानी से जो है दूध निकाल सकता है, जिसको कभी आपने सिखाया ही नहीं दूध निकालना, वो बच्चा दूध निकाल सकता है। तो लगा के दिखाओ बेटा इसको कैसे लगाएंगे। देखो बड़ी इजी है लगानी, आपके सामने है सारा सिस्टम, और ये प्रेशर इसका ऑन है, और ये देखो भाई सीधा थन के पास लगानी है आपको, और ये अपने आप जो है मशीन जो है शुरू हो जाएगी। तो बड़ी इजी है। तो किसी भाई के मन में अगर ये सवाल हो भी इसको लगाना कैसे है और कैसे करना है, तो भाई बच्चा देखो आपके सामने बड़ी आसानी तरीके से इसको जो है लगा रहा है। ये देखिए भाई दूध निकलना इसके अंदर शुरू हो गया, ठीक है। और अब क्या है कि इसके अंदर आपको लगा देनी है, और आपको अगर 5-7 मिनट कोई काम है ना, तो आप वो काम भी करके आ सकते हैं बड़ी आसानी से, कहीं भी जाके। क्यों भाई साहब, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये भाई साहब कहना है इनका कि हमारा जो काम होता है आसपास, जो कोई और काम करना होता है वो भी हम कर लेते हैं, साथ में दूध निकल जाता है, तो ये समस्या बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाएगी भाई। तो भाई साहब अगर कोई ये मशीन खरीदने का विचार बना रहा है, तो उसको आप क्या सजेशन देंगे? नहीं बढ़िया है सर, उसको बोलेंगे खरीदने के लिए बोलेंगे आप? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो कस्टमर से अपने लाइव दूध निकालना आपके सामने दिखा रहे हैं भाई, तो बहुत ही अच्छी मशीन है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कंपनी से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, कोई समस्या नहीं है, आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया जाएगा, ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं इसको। तो भाई साहब ऐसी वीडियो में लगातार आपके लिए लेकर आता रहूँगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और भाइयों पेज को जो है फॉलो कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं लगातार आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।